वेलकम टू खालसा नेटिव फ्लावर स्कूल। सो किड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 9 कंप्लीट किया था, राइट, उसके कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? अवंती और सेठ जी के जो वार्तालाप थे, जो उन्होंने आपस में डिस्कस किया था, एक दूसरे की बुद्धिमत्ता को एग्जामाइन किया था, यानी एक दूसरे को चालाकी को क्रॉस किया था, चेक किया था कि कौन कितना स्मार्ट है। और आप सबको पता है कि लास्ट में क्या होता है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने उसके सब क्वेश्चन आंसर सारी चीजें आपने CW2 पे कंप्लीट की होगी। बट आज का जो वीडियो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 10, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया, ये है आपके चैप्टर का नाम। किड्स, आपको चैप्टर के नाम पर जरूर फोकस करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो आपको स्टोरी के बारे में थोड़ा सा हिंट देता है कि किस तरह की स्टोरी होगी। नाम ऐसा है तो उसकी स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कठिन शब्द से, ओके। सो टेक आउट योर CW नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। कठिन शब्द में सबसे पहले वन नंबर में है क्यों जी मल। क्यों जी मल, क्यों जी मल, ओके। टू नंबर है मुलाकात, मुलाकात। थ्री नंबर भूले भटके, भूले भटके। फोर पिसवाना, 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 ओके। फाइव पैदल, पैदल। सिक्स फुलाएंगे, फुलाएंगे, फुलाएंगे। सेवन नंबर सोने, सानेंगे, सानेंगे। एट नंबर बेलेंगे, बेलेंगे, ठीक है। नाइन बिखरेगा, बिखरेगा, बिखरेगा। टेन पकाएंगे, पकाएंगे, पकाएंगे। और इलेवन नंबर साइकिल, साई की ल, साइकिल। एंड ट्वेल्व नंबर चक्की, च आधा का, पूरा का, बड़ी की मात्रा, चक्की, ओके। ये हो गए आपके कठिन शब्द, एक बार फिर रिपीट करेंगे। क्यों जी मल, मुलाकात, भूले भटके, पिसवाना, पैदल, फुलाएंगे, सानेंगे, बेलेंगे, बिखरेगा, पकाएंगे, साइकिल, चक्की, ओके। कितने हैं कठिन शब्द? 1 to 12। इसे आपको अपने CW नोटबुक के न्यू पेज पर लिखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, सॉरी, नेक्स्ट है आपका शब्दार्थ, क्या आएगा शब्दार्थ, ओके। शब्दार्थ का हेडिंग लिखेंगे श आधा ब दा थ, शब्दार्थ, ओके। वन नंबर से शुरू करते हैं शब्दार्थ। नंबर वन में है भूले, क्या आएगा? भूले, ठीक है। टू मुलाकात, मुलाकात। थ्री पैदल, पैदल। फोर चक्की, च आधा का, बड़ी की, ई की मात्रा, चक्की। फाइव बेलेंगे, बे बे लेंगे, ठीक है। सिक्स सानेंगे, सानेंगे। सेवन परा, परा त। एट फुल, फू र, इस तरह से फुल, ओके। अब इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। भूले, भूले का आंसर क्या आएगा? क्या लिखेंगे हम लोग भूले का आंसर? भटके अचानक से, भूले भटके, भूले भटके अचानक
अचानक से, ठीक है। उसके बाद मुलाकात का क्या आएगा, मिलना मिलना मिलाना मी ला ना, ठीक है। थ्री नंबर में पैदल चलना, फोर नंबर चक्की का क्या आएगा, गेहूं गेहूं पीसने, गेहूं पीसने का मशीन, किसका, गेहूं पीसने का मशीन। फिर फाइव नंबर बेलेंगे मतलब बेलना, रोटी को हम आटा गूंदने के बाद जो रोटी की लोई बनाते हैं उसको क्या करते हैं, बेलते हैं। सानेंगे मतलब आटा गूंदना, आटा गूंदना, आटा गूंदना, ओके। फिर परात, आटा आटा डालने का बर्तन, आटा गूंदने का, गूंदने आटा गूंदने का बर्तन, मम्मी आटा गूंदती है ना बर्तन में, इस बर्तन को क्या कहते हैं, परात। फिर एट नंबर फोर फटाक से जल्दी से भाग जाना, फटाक से या जल्दी से भाग जाना, ठीक है। ओके किड्स, यहां पर ये आपका कंप्लीट हुआ शब्दार्थ, भूले भटके अचानक से, मुलाकात मिलना मिलाना, पैदल चलना, चक्की गेहूं पीसने का मशीन, बेलेंगे बेलना, सानेंगे आटा गूंदना, परात आटा गूंदने का बर्तन, फुर फटाक से या जल्दी से भाग जाना, ओके। तो यहाँ पर आपका कठिन शब्द और शब्दार्थ कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यू हैव टू राइट दिस बोथ क्वेश्चन इन योर CW नोटबुक विद अ गुड हैंड राइटिंग, क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।